हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास, और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के प्रैक्टिस सेट को, और ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा और सीपीटी मॉड्यूल 2 होगा। इसमें एमएस एक्सेल क्या, हम लोग सारी कंप्लीट सीरीज़ को कवर करने वाले हैं। और सीपीटी के अंतर्गत आपका एमएस एक्सेल हो या फिर एमएस पावर पॉइंट हो, दोनों को ही हम लोग कम्प्लीटली यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस कम्प्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। इसमें आपको सारे जितने भी एक्सपेक्टेड जो भी चीज़ें मिल आ सकती हैं एग्ज़ाम में, वो सब करा दी जाएगी। तो आपको अलग से कहीं से कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सब कुछ आपको एक ही कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप देखिए अच्छे से और तैयार करिए, ठीक है। और फ्री प्रैक्टिस सीट होगी आप सभी के लिए। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करिएगा और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो कम्प्लीटली वॉच करिए इस पूरी सीरीज़ को। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपकी स्पेशली एसएससी सीपीटी के लिए और डीएसटी के लिए होगी। और इसमें आपको 100+ सेट्स मिल जाएंगे, जिसमें 50+ टाइपिंग के सेट्स होंगे, 25 जो होंगे वो एमएस एक्सेल के और 25 पावर पॉइंट के सेट्स होंगे। तो ये एक्चुअल एग्ज़ाम बेस्ड सारे के सारे सेट होंगे, और जितने तरह के फॉर्मूले और जितने भी फंक्शंस यूज़ हो सकते हैं एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में, जितने भी तरह की स्लाइड बन सकती है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इतना अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो कुछ भी आपको मिल जाए एग्ज़ाम में, आप आसानी से कर पाओगे, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को बाय कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर शीट मिलेगी एग्जाम, ये आपको प्रिंटेड शीट मिलेगी और आपको जो है डेटा यहाँ पर सारा फिल करना पड़ेगा, और जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए उन इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको पूरा का पूरा जो है अपनी टेबल बनानी होगी, राइट। तो देख लेते हैं, ये आपको टेबल बनी हुई दी हुई है पूरी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो जो जो चीज़ें हैं जैसी हैं वैसी ही आपको बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम, ओपन न्यू वर्कशीट, ठीक है। अब आपको ओपन करना आना चाहिए। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना ही नहीं आता तो काम कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं ये भी बता देता हूँ, आपको कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप विंडो बटन जो आपका कीबोर्ड में होगा और आर बटन प्रेस करोगे, ठीक है। तो इससे ये रन कमांड ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट, और इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक्सेल लिख देना है, EXCEL बस लिख देना और ओके कर दोगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है एक्सेल ओपन करोगे, अगर आपको नॉर्मली कोई भी सिस्टम मिल जाता है और आपका अगर एक्सेल ओपन नहीं है तो आप इस तरह से ओपन कर लोगे, ठीक है। अब क्या करना है, एंटर योर नेम एंड रोल नंबर इन द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द वर्कशीट एज शोन बिलो, ठीक है। यहाँ पर नेम और रोल नंबर जैसे दिया हुआ है वैसे ही आपको लिख लेना है। तो हम लोग यहाँ पर एक न्यू शीट ले लेते हैं, क्योंकि प्लस वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई शीट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको हम लोग। जूम करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस जो आपका माउस से जो आपका बटन दिया होता है राउंड बटन, उसको जब आप स्क्रोल करोगे, स्क्रोल बटन से जूम होता है, जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। तो नेम और रोल नंबर आपको लिख लेना है सबसे पहले, तो आप लिख लोगे जो भी नेम जो है कैपिटल में, तो एन पहला कैपिटल है, तो नेम, और नेम के आगे आपको अपना एक्चुअल नेम लिखना होगा, जो भी आपका एक्चुअल नाम होगा। मैं यहाँ पर अभिलाष लिख देता हूँ, ठीक है। रोल नंबर जो है आपको देखो कैसे दिया हुआ है, रोल नंबर शॉर्ट में लिखा हुआ है रोल, और नंबर NO है, ठीक है, दोनों कैपिटल में फर्स्ट टर्म, तो उसी तरह से एज इट इज़ आपको लिख देना है रोल और नंबर, ठीक है। अब रोल नंबर जो भी आपको दिया होगा, जो आपका एडमिट कार्ड का रोल नंबर होगा वो आप डालोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 में डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है एंटर द रेस्ट ऑफ द कंटेंट एज पर इंस्ट्रक्शन बिलो इन द सेम सेल, ठीक है। तो बाकी जो सेल के अनुसार हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि फॉर्मेट द सेल सच दैट टेक्स्ट साइज इज 11, फॉन्ट साइज इज टाइम्स न्यू रोमन फॉर ऑल द सेल्स, यानी कि जो टेक्स्ट साइज होना है वो 11 रहेगा और फॉन्ट क्या रहेगा, टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, ठीक है, सभी के लिए। तो हम टेक्स्ट साइज यहाँ पर पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी शीट को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में देखो ये जो ट्राइंगल वाला एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है तो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से 11 करना है तो ऑलरेडी 11 दिया हुआ है। अब यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर दोगे, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए तो यहाँ पर एंटर कर दो, ये टाइम्स न्यू रोमन आपका आ गया, ठीक है। और साइज जो हो गया वो 11 हो गया, आप यहाँ पर भी देख सकते हो साइज 11 दिखा रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई। अब क्या कहा जा रहा है,
द टाइटल रो 4 शुड बी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन विथ फॉन्ट साइज 14। ठीक है, जो चौथी रो है, देखो फोर्थ रो जो है ये वाली, ये क्या है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों होगी। तो ये पहले आप क्या करोगे, पूरा का पूरा मैटर ऐसे लिख लोगे। ठीक है, तो फोर्थ वाली रो में आपको आना है, फोर्थ वाली लो में इसको मर्ज एंड सेंटर भी करना है। ठीक है, तभी मर्ज एंड सेंटर करोगे तभी इस तरह से दिखाई देगा। तो देखो ये ए से लेकर के एफ तक का है पूरा, तो ए से लेकर के एफ तक फोर्थ रो में आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ए से एफ तक सेलेक्ट किया और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर लिख लेना है आईपीएल टीम्स विन एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो ये पूरा आपको लिख लेना है एज इट इज, आईपीएल टीम्स विन एंड लॉस परसेंटेज, विन एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये आपने एज इट इज लिख लिया, पहले एक बार पूरा का पूरा लिख लोगे जो भी कंटेंट दिया होगा, फॉर्मेटिंग फिर बाद में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है टीम मैचेस लॉस्ट और विन, पांचवी शीट में आ जाओ, टीम्स मैचेस लॉस्ट। टीम्स सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना है आपको, टीम्स मैचेस, उसके बाद आपको दिया है लॉस्ट, लॉस्ट और उसके बाद दिया है विन। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ, देखो लॉस्ट विन के बाद विन परसेंटेज लॉस परसेंटेज, तो विन परसेंटेज आप यहाँ पर लिख लोगे, विन परसेंटेज और उसके बाद लॉस्ट। अब देखो ये पूरे में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, इसको यहाँ से आप शेप कर सकते हो या इस पर डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर लॉस परसेंटेज आपको लिखना है, लॉस परसेंटेज। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करो, यहाँ पर जो है जो भी आपका कॉलम है उस पर डबल क्लिक करोगे तो अपने आप वो अपने आप जो भी साइज होगा उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरह से आप कर सकते हो उस चीज को। अब देखो विन परसेंटेज लॉस परसेंटेज हो गया, और क्या बचा यहाँ पर, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पर नाम लिख लेना है टीम्स का, मुंबई इंडियंस, पहली जो टीम है मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस पहली टीम। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है, इसको पहले सबका टाइप कर लो एक साथ, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर लोगे वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, मुंबई इंडियंस हो गया। दूसरी टीम आपको यहाँ पर दी है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो नाम पहले आपको पूरा ऐसे ही लिख लेना है, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, इसको भी फिर से डबल क्लिक कर दो तो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद तीसरी जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स है, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये आपकी थर्ड वाली हो गई। फिर से आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा बड़ा है, डबल क्लिक कर दो। उसके बाद जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पूरा लिखना ऐसे ही होगा आपको, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, इसको भी ये ज़्यादा बड़ा है तो इसको भी सेम यही करना पड़ेगा, डबल क्लिक कर लो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद देखो किंग्स, किंग्स इलेवन आपका पंजाब है, किंग्स इलेवन पंजाब, ये पूरा आपने जो 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 नाम दिए थे वो सारे नाम लिख लिए। अब मैचेस में जो जो दिया डेटा वो आपको फिल करना है, 180 165, पहला है 180, दूसरा है 165। ठीक है, ये आपको एज इट इज होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर है 191 182 191 और 182, राइट, और उसके बाद लास्ट में है आपका 176, तो 176। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस्ट वाले दिए हुए हमें कितना, 76 62 76 62, उसके बाद आपका 89 99 89 और फिर 99, और फाइनली जो है आपका 92 है। ठीक है, 92 लास्ट में है।
ठीक है। तो ये पूरा हो गया डेटा आपके पास, बाकी का आपको खुद कैलकुलेट करना है यहाँ पर पूरा का पूरा। तो मेन जो डेटा था, मेन जो कंटेंट था, वो आपने पूरा यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब आपको इनको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेटिंग लगा देंगे। अब देखो ये एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है, तो इस पूरे को लेफ्ट में ले आते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, आप देखते जाओ। यहाँ पर ये हो गया चौथी जो टाइटल, जो चौथी वाली सेल है, इसमें क्या करना है आपको, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, फॉन्ट साइज 14 रहेगा, ठीक है। तो इसको पूरे को सेलेक्ट करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, और फोर साइज जो रहेगा ये 14 रहना है, तो 14 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका चेंज हो गया। इसके बाद देखो जो है चौथा हो गया हमारा, मर्ज सेंटर हो गया, और ये पूरा हो गया। उसके टेबल रो 5 जो है, लेफ्ट सेंटर और राइट अलाइन एज शोन अबव, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रही वैसे ही मैं रखनी है। तो देखो यहाँ पर ये टीम वाला लेफ्ट में है, तो ये टीम लेफ्ट में यहाँ पर भी है, बाकी जो है यहाँ पर बाकी सब राइट में जा रहे हैं, ठीक है। बाकी राइट का अलाइनमेंट लगा देंगे हम लोग, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है आपको, और फिर यहाँ पर राइट का अलाइनमेंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका। इसके बाद ये पूरा बोल्ड है, तो इसको बोल्ड कर देंगे, दिख रहा है हाईलाइटेड है, तो बोल्ड कर दो इसको, यहाँ पे भी बोल्ड है। ये देखो ये सारे जो है जो हेडिंग्स हैं वो बोल्ड है, तो इसलिए बोल्ड कर देंगे आप, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हमें जो है जैसी हमें शीट दी गई है, जैसे हमें दिया गया उसी के अनुसार हमें उसको एज इट इज़ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला पॉइंट कह रहे हैं, क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल दैट हैव सॉलिड लाइन शोन अबव। अब देखो पहले हम लोग यहाँ पर एक कैलकुलेट कर लेते हैं जो जो चीज़ें पूछी जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर बॉर्डर लगा देंगे। तो विन हमें निकालना है, विन कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि प्रॉपर दिखने लगे, राइट। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो सही तरीके से। अब विन कैसे निकालोगे, हमें पता है टोटल 180 मैच खेले गए हैं, लॉस्ट कितने हो रहे हैं 76, तो बचे हुए होंगे यानी इनका डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस आप एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करोगे, आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, इक्वल का साइन लगाना है, इनके बीच में डिफरेंस लेना है, तो आप एब्सोल्यूट यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर दिया भी हुआ है, यहाँ पर देख लो फॉर्मूले में आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है फाइंड लॉस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज वैल्यूज बी, ठीक है, वैल्यू ऑफ बी टू कॉलम सी फॉर ईच पैरामीटर प्रॉपर साइन, और विन परसेंटेज भी है अप टू 2 डेसिमल, और लॉस परसेंटेज 3 डेसिमल। अब देखो यहाँ पर नई चीज़ क्या आ गई, यहाँ पर डेसिमल का आपको दिया हुआ है कि जो विन परसेंटेज होगा वो 2 डेसिमल तक होगा, जबकि लॉस परसेंटेज 3 डेसिमल तक होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप कर ही लोगे, लेकिन मेन चीज़ यही है डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझिएगा जरा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग समझेंगे सभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें विन परसेंटेज पता चल जाएगा, ठीक है। तो ABS लगा दो, और एब्सोल्यूट के बाद डिफरेंस किसका किसका लेना है, पहले से दूसरा घटाना है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दो, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। मतलब 180 में इतनी अगर 76 हारे हैं, तो 104 जीते होंगे। अब इसी को कॉपी कर देना है, कॉपी करने के लिए देखो ये जो कॉर्नर है इस पर प्लस का साइन है, इसको ड्रैग कर देना है बस, ठीक है। पूरा ड्रैग कर देंगे, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सब में कॉपी हो जाएगा, ठीक है, जो जो वैल्यूज़ हैं उनके अनुसार। अब विन परसेंटेज निकालना है, ठीक है। विन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फिर से आपको इक्वल का साइन लगाना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें विन परसेंटेज चाहिए, तो विन वाली वैल्यू लेनी है, यानी इस पर क्लिक करेंगे, डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, 180 मैचेस हैं, यानी टोटल को डिवाइड में रखना है, तो डिवाइडेड बाय टोटल और इनटू परसेंटेज कर देना है, ठीक है। तो परसेंटेज क्योंकि हमें निकालना है, तो परसेंटेज का साइन और एंटर कर देंगे, तो ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है विन परसेंटेज जो जो होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देखो, विन परसेंटेज 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखो ये परसेंटेज है और ये यहाँ पर जीरोज़ है, जीरोज़ का ऑप्शन है, ये जीरोज़ डिक्रीज डेसिमल या इंक्रीज डेसिमल का, तो हमें डेसिमल यहाँ पर डिक्रीज़ करने हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट तक चाहिए, तो हम इसको क्लिक करेंगे, 2 डेसिमल तक लेके आएंगे इसको, ठीक है, 2 डेसिमल तक ले आए। अब इसी को पूरे को कॉपी कर देना है पूरे में, ठीक है, हमने कॉपी कर दिया, तो ये 2 डेसिमल तक जो है यहाँ पर विन परसेंटेज आ गया। अब लॉस परसेंटेज इसी तरह से निकालना है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, लॉस्ट वैल्यू कितनी है 76, यानी सी वाली वैल्यू है, और डिवाइड कर देंगे किससे, एक्चुअल वैल्यू, टोटल मैचेस कितने 180, और फिर से परसेंटेज का आपको यहाँ पर लगा देना है साइन, ठीक है, एंटर कर दोगे, तो ये लॉस परसेंटेज आ जाएगा,
ठीक है, अब इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं, ये आपसे पूछा बोला जा सकता है एग्जाम में कि विन का अलग पद 2 डेसिमल तक या 3 डेसिमल, जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक बोला जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। फिर 3 डेसिमल तक प्लेसेस तक चाहिए, तो हम इसको 3 डेसिमल तक यहाँ से रिमूव कर देंगे डेसिमल। ठीक है, 3 डेसिमल तक रिमूव कर दिया और फिर इसी को कॉपी कर देना, पूरे को ड्रैग कर देंगे, वो कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या बन गया, डेटा बन गया पूरे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग और रह गया, जो एक दो चीज़ें बोली जा रही, बाकी ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा, आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला वगैरह हो गया, आपको देखो बॉर्डर लगाना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल दैट हैव सॉलिड लाइन शोन अबव। अब देखो सॉलिड लाइन कौन सी दिख रही है यहाँ पे, सॉलिड लाइन ये जो सॉलिड बिल्कुल डार्क डार्क दिख रही है, सॉलिड लाइन देखो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपको, जब आपको एक्चुअल प्रिंटेड शीट मिलेगी ना तो उसमें आपको और हाईलाइटेड होगा कि आपका केवल इतना ये IPL से लेकर यहाँ तक का ही आपको इसका ही निकालना है, या इसको ही बॉर्डर लगाना है या पूरे का बॉर्डर लगाना है। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सॉलिड लाइन जो है फर्स्ट से लेकर के जो है F10 तक ये पूरी सॉलिड लाइन दिख रही है, तो इस पूरे को आप बॉर्डर लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ एग्जाम में ध्यान रखना, आपको बोला क्या जा रहा है कि केवल टेबल में बॉर्डर लगाना है या फिर पूरा का पूरा जितना अभी आपने कंटेंट लिखा है जितने एरिया में उस पूरे में बॉर्डर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे एरिया में हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा क्योंकि बोला जा रहा है, तो ये पूरा एरिया आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बॉर्डर वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आएगा ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये पूरा बॉर्डर लग जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, तो ये पूरा आपका सॉलिड बॉर्डर पूरे में लग गया, राइट। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखो अब क्या इंस्ट्रक्शन आगे दे रहे हैं, कुछ बचा तो नहीं है। फॉर्मेट वाला हो गया और बॉर्डर वाला भी हो गया, फॉर्मूला भी हम लोगों ने लगा लिया। उसके बाद हैडर फूटर लगाना है। अब हैडर जो है, हैडर में हमें फाइल पाथ चाहिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर। ठीक है, अब हैडर फूटर में आ जाते हैं। हैडर फूटर के लिए फिर से हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाके हैडर एंड फूटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट में हमें बोला जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट पाथ में फाइल पाथ चाहिए, तो फाइल पाथ पे क्लिक कर देंगे और आपका ये फाइल पाथ आ गया। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट हेडर फाइल पाथ ऑन लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ठीक है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो है हमारा ये आ गया। उसके बाद देखो बोल रहे हैं कि फूटर विद टाइम एंड डेट ऑन राइट कॉर्नर। राइट कॉर्नर पे टाइम एंड डेट चाहिए वही फूटर में, तो फूटर कैसे लाएंगे, फिर से इंसर्ट में जाना है यहाँ पर हेडर एंड फूटर, और यहाँ से क्लिक करेंगे हम लोग गो टू फूटर पे। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो, ये फूटर पे आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे फूटर में हमें क्या चाहिए, पहले क्या बोला जा रहा है टाइम, उसके बाद डेट। तो पहले करेंट टाइम हम ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, करेंट टाइम यहाँ पर आप ऐड करोगे, कैसे आएगा, डिज़ाइन में आना है यहाँ पर करेंट टाइम, और उसके बाद करेंट डेट आपको लेनी है। ठीक है, तो करेंट डेट और करेंट टाइम आ गया, राइट, ये पूरा हो गया यहाँ से। उसके बाद आप व्यू यहाँ से चेंज कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा जो है फाइल पाथ भी आ गया, टाइम एंड डेट भी आ गई। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हो कि आपका एक्चुअल प्रेजेंटेशन कैसे दिखे, एक्चुअल में जो है ये शीट कैसे दिखेगी। तो आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है और यहाँ पर जो है आपको ये दिखेगी जो भी है आपका। ठीक है, जो भी आपने यहाँ बनाया है, देखो ऊपर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरी आपकी टेबल दिखाई दे रही है, राइट, जिसमें उन्होंने फॉर्मूला वगैरह लगाया है। नेम और रोल नंबर दिखाई दे रहा है, ऊपर आपका फाइल पाथ आ रहा है, और पेज के नीचे लास्ट में ये टाइम और डेट निकल आ रही है। ठीक है, यहाँ से आप A4 साइज़ आपको बेसिकली बोला जाएगा, तो A4 साइज़ में आपको प्रिंट निकालना होगा। यहाँ से आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, बाकी और कुछ तो रह नहीं गया इसमें, आपको A4 साइज़ का प्रिंट आउट लगाना है और सिग्नेचर करके सबमिट कर देना है। ठीक है, तो बस इतना ही काम था इसमें। तो ये जो टेबल थी, इसमें आपका जो है मेन चीज़ें आपने क्या सीखी, देखो जो इसमें बहुत ज़्यादा नया तो नहीं सीखा, लेकिन दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन सीखी, डेसिमल वाला पॉइंट। ठीक है, डेसिमल कैसे, आपको कितने प्लेसेस तक चाहिए, अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, और मैथ्स आपने पढ़ी हुई है तो आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे आपको, आप इस तरह की अगर दी जाती है आपको शीट बनाने के लिए तो कैसे करनी है, राइट दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, और आप में से अगर कोई नया है तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो।
ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं पिन कर दूंगा डायरेक्ट, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला, उस पर भी आप टेलीग्राम पर तो भी मिल जाएगा आपको। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप मुझे अकेडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।